सीजन 16 के घर में एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रही हैं राहुल वैद्य। आखिरकार सपोर्ट में आते हुए राहुल वैद्य ने एमसी स्टैन को लेकर क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया पर, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 16 का आगाज हो चुका है, लाइव फीड की शुरुआत हो चुकी है और लाइव फीड में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि एमसी स्टैन को बहुत ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है, कंटेस्टेंट्स जो हैं एमसी स्टैन से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं और कई कंटेस्टेंट्स को तो एमसी स्टैन की आदतों से परेशानियां भी होने लगी हैं। लेकिन इस बीच एमसी स्टैन के सपोर्ट में नजर आए हैं खुद राहुल वैद्य, जो कि बिग बॉस के एक एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं। राहुल वैद्य का एमसी स्टैन के लिए कहना है कि जब राहुल वैद्य भी बिग बॉस में पहली बार गए थे तो 2-3 हफ्तों तक उन्हें भी भाव नहीं दिया जाता था, 2-3 हफ्तों तक कोई पूछता भी नहीं था उन्हें। लेकिन धीरे धीरे राहुल वैद्य ने इतना ज़बरदस्त गेम खेला कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भाव भी मिलने लगी, कंटेस्टेंट पर्सनली उनसे बातचीत भी आकर करने लगे। तो उन्होंने साफ तौर पर एमसी को जो है वो एक हिदायत भी दी है, साथ ही साथ उन्हें एक कहीं ना कहीं सजेशंस भी दिया है कि घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे, गेम तो सबका होता है, धीरे धीरे वक्त चेंज होता है, वक्त सबका आता है और भाव जो है वो सबको मिलता भी है और कभी कभी खुद लोगों को गिर के किसी के सामने आना होता है जिससे वो बात भी नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं राहुल वैद्य ने लिटरली एमसी स्टैन को एक सजेशन दिया है कि आप धैर्य रखिए और गेम में अपना अच्छा परफॉर्म, अपने अच्छे परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट एक ना एक दिन आपसे बात ज़रूर करेंगे। वेल, आपको क्या है कहना राहुल वैद्य के इस ट्वीट को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।